पर आ रही है पश्चिम एशिया के देश सीरिया से। वहां अरब लड़ाकों और अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोहियों के संगठन एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बीच जंग और तेज हो गई। एसडीएफ कई साल से सीरिया की सरकार के खिलाफ जंग लड़ रहा है। अरब लड़ाकों का संगठन देर अजोर मिलिट्री काउंसिल भी उसी का हिस्सा है, लेकिन कुछ रोज पहले उसके प्रमुख की गिरफ्तारी के बाद इस संगठन के लड़ाकों ने एसडीएफ के खिलाफ विद्रोह कर दिया। उन्होंने सीरिया के अलेपो समेत कई शहरों में एसडीएफ पर जोरदार हमले शुरू कर दिए और दावा किया कि उसके लड़ाकों ने सीरिया के अलेपो और इदलिब प्रांत के कई इलाकों से एसडीएफ के लड़ाकों को खदेड़ दिया। वहां विद्रोह की शुरुआत तब हुई जब 27 अगस्त को अरब लड़ाकों के संगठन देर अजोर मिलिट्री काउंसिल के चीफ को ड्रग्स तस्करी के आरोप में एसडीएफ ने गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद इस संगठन के लड़ाकों ने एसडीएफ के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जबकि अरब लड़ाकों का यह संगठन एसडीएफ का ही हिस्सा था, जो एसडीएफ में शामिल कई विद्रोही गुटों के साथ मिलकर रूस के समर्थन वाली सीरिया की सरकार के खिलाफ जंग में शामिल था। लेकिन कुछ रोज पहले इस संगठन के चीफ की गिरफ्तारी के बाद इसके लड़ाके बागी हो गए। अलेप्पो, इदलिब और देर अज़ोर प्रांत के अलावा कई दूसरे इलाकों में भी इस संगठन ने एसडीएफ पर हमले शुरू कर दिए। एसडीएफ की मुसीबत तब और बढ़ गई जब तुर्की के समर्थन वाले एक आतंकी गुट ने सीरिया के अलहस्का इलाके में उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जबकि सीरिया के देर अज़ोर प्रांत से आए एक वीडियो में खतरनाक हथियारों से लैस अरब लड़ाके जश्न मनाते दिखाई दिए। उधर कुर्द लड़ाकों के दबदबे वाले संगठन एसडीएफ के अरब लड़ाकों को मिटाने तक जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक 27 अगस्त से शुरू हुए इस विद्रोह में 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और आने वाले दिनों में एसडीएफ और देर अज़ोर मिलिट्री काउंसिल के बीच जंग थमने वाली भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोही संगठन एसडीएफ ने अरब लड़ाकों को जड़ से उखाड़ फेंकने तक जंग लड़ने का ऐलान कर दिया। मतलब गृह युद्ध की मार झेल रहे सीरिया में जंग की आग और भड़क सकती है। सबसे ज्यादा नुकसान देर अज़ोर, अलेप्पो और इदलिब प्रांतों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये तीनों प्रांत अरब लड़ाकों के गढ़ माने जाते हैं। लेकिन इस लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा रूस के समर्थन वाली सीरिया की बशर अल असद की सरकार को है, क्योंकि एसडीएफ में ही देर अज़ोर मिलिट्री काउंसिल शामिल था जिसने विद्रोह कर दिया। मतलब बशर अल असद के खिलाफ खड़े गुट आपस में ही लड़ने लगे। इधर अरब लड़ाकों के एक दूसरे संगठन ने दावा किया कि सीरिया में उन लोगों पर विद्रोही गुट एसडीएफ के बढ़ते अत्याचार की वजह से यह विद्रोह भड़का। सीरिया में एसडीएफ एक विद्रोही संगठन है जिसमें वहां की बशर अल असद की सरकार से नाराज कई गुट शामिल है। इस संगठन को अमेरिका और उसके कई साथियों का समर्थन हासिल है, जो सीरिया की बशर अल असद की सरकार के खिलाफ कई साल से जंग लड़ रहे हैं। असद सरकार का आरोप है कि विद्रोही संगठन एसडीएफ को सीरिया में आतंक फैलाने के लिए अमेरिका और दूसरे देशों से हथियारों की सप्लाई होती है। लेकिन 9 दिन पहले 27 अगस्त को एसडीएफ में ही विद्रोह हो गया, क्योंकि इस संगठन में शामिल देर अज़ोर मिलिट्री काउंसिल के लड़ाकों ने जंग का ऐलान कर दिया। सीरिया में एक्टिव अरब लड़ाकों के एक दूसरे संगठन ने दावा किया कि एसडीएफ में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है जो उन पर अत्याचार करते हैं। इसी वजह से अरब लड़ाकों ने कुर्दों के दबदबे वाले इस संगठन के खिलाफ जंग छेड़ दी और सीरिया की बशर अल असद की सरकार के खिलाफ कई साल से लड़ रहे एसडीएफ में शामिल विद्रोही गुट आपस में ही भिड़ गए। अमेरिका के समर्थन वाले इस संगठन में अरब लड़ाकों के अलावा तुर्की और आर्मेनिया के कई छोटे छोटे गुट भी शामिल हैं, जिन्होंने 2015 से रूस के समर्थन वाली सीरिया की बशर अल असद की सरकार के खिलाफ जंग का बिगुल बजा रखा है। कुर्द लड़ाकों के दबदबे वाला एसडीएफ सीरिया के पूर्वी हिस्से पर कब्जे के लिए लड़ रहा है। इस विद्रोही गुट का आरोप है कि सीरिया की सरकार ने कुर्दों और अरबों के अलावा दूसरे समुदायों के साथ भी भेदभाव किया और इसी वजह से वो सीरिया के पूर्वी हिस्से यानी अलेप्पो, रक्का और देर अज़ोर को आजाद कराने के लिए जंग लड़ रहे हैं। सीरिया का आरोप है कि इस संगठन को अमेरिका से मदद मिलती है, क्योंकि अमेरिका पुतिन के समर्थन वाली बशर अल असद की सरकार को सीरिया से उखाड़ फेंकना चाहता है। लेकिन हालात तब पलट गए जब एसडीएफ में शामिल अरब लड़ाकों के संगठन देर अज़ोर मिलिट्री काउंसिल ने एसडीएफ से ही विद्रोह कर दिया। इस बीच न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने दावा किया कि एसडीएफ और अरब लड़ाकों के बीच छिड़ी जंग की वजह से सीरिया में अमेरिका को अपनी पकड़ कमजोर होने का डर सताने लगा, क्योंकि सीरिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर हुई तो इसका सीधा फायदा रूस के समर्थन वाली सीरिया की सरकार को होगा। लेकिन अमेरिका की परेशानी तब बढ़ गई जब उसके समर्थन वाले विद्रोही गुट एसडीएफ में शामिल अरब लड़ाकों के संगठन देर अज़ोर मिलिट्री काउंसिल ने विद्रोह कर दिया। यानी अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोही गुट एसडीएफ में शामिल संगठन आपस में ही लड़ने लगे, जिससे सीरिया में अमेरिका की पकड़ कमजोर होने का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि अमेरिका सीरिया की बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है ताकि बशर अल असद का साथ देने वाले पुतिन कमजोर पड़ जाएं। जबकि रूस ने सीरिया की सरकार को बचाने के लिए कई साल से जोर लगा रखा है, यहां तक कि सीरिया में उसने अपनी सेना तक तैनात कर दी, क्योंकि बशर अल असद सरकार का तख्ता पलट रूस के लिए एक और दोस्त खोने जैसा होगा। लेकिन दावा है कि इस विद्रोह की वजह से सीरिया में अमेरिका को बड़ा झटका लगा, क्योंकि पश्चिम एशिया जैसी जगह पर रूस का ताकतवर होना उसके लिए खतरे की घंटी है जो वो किसी भी सूरत में होने नहीं देना चाहेगा। उधर सीरिया की सरकार से जंग लड़ रहे विद्रोही संगठन एसडीएफ के खिलाफ कई छोटे विद्रोही गुटों ने भी मोर्चा खोल दिया, जो अरब लड़ाकों के साथ मिलकर एसडीएफ पर सीरिया के अलग अलग इलाकों में ताबड़तोड़ हमले करने में जुट गए।
और उन्होंने सीरिया के अलेपो, देर अज़ोर और इदलिब के कई इलाकों से एसडीएफ लड़ाकों को खदेड़ने का दावा किया। मतलब अमेरिका के समर्थन वाले विद्रोही गुट एसडीएफ को न सिर्फ देर अज़ोर मिलिट्री काउंसिल से निपटना पड़ रहा है बल्कि कई दूसरे गुटों से भी उसे चुनौती मिल रही है। सीरिया के अलेपो प्रांत के मिनबित से आए एक वीडियो में तुर्की के समर्थन वाले एक आतंकी गुट के लड़ाके एसडीएफ लड़ाकों पर हमला करते दिखे। उनके इस हमले में एसडीएफ के कुछ लड़ाके घायल भी हो गए जिन्हें उनके साथी उठाकर ले जाते नजर आए। इसी तरह सीरिया के अल हस्का प्रांत में एसडीएफ लड़ाकों को निशाना बनाया गया। हालांकि एसडीएफ ने इस इलाके में तुर्की के समर्थन वाले गुट के 5 लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया।